माय न्यू ब्लॉग मैं अच्छी हूँ। आई होप आप भी सब बहुत अच्छे हो गए। और आज राघव के पीटीएम अभी बजे हैं 7 और अभी 7 बजे राघव के पीटीएम है, उसके बाद 9 बजे अनाया को छोड़ना क्योंकि आज अनाया का एनुअल फंक्शन, तो फटाफट राघव के पीटीएम करके आते हैं, उसके बाद आके दोबारा से अनाया को रेडी करना है और फिर इसको छोड़ना है 9 बजे और उसके बाद फिर 10:30 बजे पेरेंट्स को जाना है, तो फिर मैं जाऊँगी दोबारा तिबारा से। 3-3 चक्कर लगने वाले हैं आज स्कूल के। तो बस आज पूरे दिन का यही शेड्यूल रहेगा, तो मिलती हूँ आपसे, बने रहना मेरे साथ व्लॉग में एंड तक थोड़ी देर में। अब निकलते हैं, लेट हो रहा है, 7 बज गए हैं। हेलो हेलो बोल दो, गुड मॉर्निंग। चलो तो हम पहुंच चुके हैं राघव की पीटीएम में। ये अब राघव को क्या क्या डांट पड़ेगी? राघव नहीं पड़ेगी, राघव बहुत अच्छा बच्चा है। स्कूल में क्रिसमस की हो गई हैं तैयारियाँ, ये रूम्स डेकोरेट किए हुए हैं और ये है, तो यहाँ पे लगा हुआ है राघव के स्कूल में ही बुक फेयर। तो जो भी बच्चों को बुक्स लेनी हो, नॉवेल्स लेने हो, ले सकते हैं। इसके बाद अब आ गया है क्रिसमस डे, तो आने वाला है जैसे कि, तो इनका स्कूल है क्रिश्चियन, तो इसलिए पहले ही डेकोरेशन हो जाती है। तो स्कूल में बहुत सुंदर सी डेकोरेशन हुई हुई थी इधर यहाँ पर भी, और ट्री भी बहुत अच्छे से। ये इनका स्कूल का चर्च है जो स्कूल के अंदर ही है, तो काफ़ी अच्छी वाइब्स आती हैं इनके स्कूल में, बहुत अच्छा लगता है जाके। तो बस ये अनाया की बिल्डिंग है जहाँ पे अनाया जाती है, नर्सरी और केजी के बच्चे हैं, और राघव की अलग है, वो मैंने आपको पहले बताया था। तो ऐसे ही राघव का इधर अनाया का प्रोग्राम होना है, तो उसी की डेकोरेशन चल रही थी क्योंकि हम तो सुबह 7 बजे चले गए थे, तो इसीलिए अभी डेकोरेशन चल ही रही है। आज तो 2 मिनट में हो गई पीटीएम, अभी राघव की पीटीएम खत्म हुई है, अब घर जाएंगे, आना को रेडी करेंगे, फिर 9 बजे आना को लेके आएंगे। आना गुस्से में है, आना देखना, ये बन रहा हमारा जूस। तो हम आ गए हैं स्कूल से राघव की पीटीएम करके, और अब मुझे करना है अनाया को रेडी क्योंकि अभी बज गए हैं 8:30 और अनाया को छोड़ना है मुझे स्कूल 9 बजे। तो फटाफट अनाया की ड्रेस, अनाया की शूज, मतलब सैंडल्स सब रेडी करके रख लिया। फटाफट इसको करती हूँ मैं रेडी। अनाया पूरा ढक जाएगा सॉक्स में ही है, पूरा ऐसा कर रहे पैंट पहन ली, तभी तो मैं हमने दिया ताकि आपको ठंडा लगे। तो फटाफट इसको करती हूँ रेडी और आपको दिखाती हूँ। फुल मेकअप भी करना है अनाया का मेरे को, और ये ड्रेसेस हैं, ड्रेसेस, उसके बाद इसे 9 बजे छोड़ना है मुझे, तो तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ अनाया को। देखो तो ये हो गई है हमारी आना रेडी अपने एनुअल फंक्शन के लिए। ओए ऐसे नहीं छिपाते, खराब हो जाएगी। आना मेरी सॉक्स दिखा दे, कहाँ तक जा रही है गाइस, देखो आना के सॉक्स कहाँ तक जा रही है। ना पहले कह रही थी गाइस ये तो मोड़ रखी है, ये यहाँ तक भी जा सकती है ना, पूरी भी डर सकती है। चलो ये हो गई है मैं रेडी। अपनी बिन्नी दिखा दो, बिन्नी अपनी दिखा दे, मैं नहीं देखना। चलो आना खाने का ले बच्चा, बैड मैनर्स। चलो अब हटाओ आप, चलो इधर हो। आना दादी मेरे सब देती है मां, मेरे भाई हां सब तो लगा के आई बॉय ही ना। चलो खाना पीना खिलाते हैं ना, वो भी लगा है। हाँ शायद अद्विक भी होगा, अद्विक भी लगाया थे आया, मेकअप तो करके आएगा अद्विक भी। चलो पूरी फ्लोर डाल जा, पूरी फ्लोर में ताकत जा रही है।
यहाँ मैं बना रही हूँ आना के लिए आलू का पराठा। अभी बज गया है 9:00, बस फटाफट बनाती हूँ और फिर इसको छोड़ने जाती हूँ। तो ये कर लिया आना का लंच पैक, बस अब आना को लेके निकल रहे हैं हम उसके स्कूल छोड़ने के लिए। फिर दोबारा जाना है, हमने पेरेंट्स को बुलाया है 10:30 बजे, तो 10:30 जाना है। तो अभी बस आना को छोड़ने के लिए जा रहे हैं हम। पहुंच चुके हैं आना के स्कूल, ये देखो सब बच्चे रेडी हो रखे हैं। ये रही आना की बिल्डिंग, बस अब आना को छोड़ते हैं फिर वापस घर जाते हैं और फिर हमें आना है 10:30 बजे। हम पहुंच गए हैं आना के क्लास में, पहुंच रहे हैं बस अब हम। अभी मैंने आना को छोड़ दिया है, अब मैं जा रही हूँ वापस से घर। अब मैं आऊँगी 10:30 पे, क्योंकि अभी मैंने कुछ इनके लिए लंच वगैरह बनाना है, इन्हें निकलना है ऑफिस। तो बस इसीलिए फटाफट घर जाके इनके लिए लंच वगैरह बनाती हूँ और फिर उसके बाद दोबारा आती हूँ 10:30 पे। हाँ सुबह से ऐसी भागम भाग मची हुई है ना, बता नहीं सकती, लगे हुए हैं बस ऐसे ही यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ। आना को तो मैंने थोड़ा खिला दिया था, गाड़ी में ही बना के ले आई थी, अब बस जाके इनके लिए बनाना है और फिर वापस से आना है। तो मैं हो गई हूँ रेडी दोबारा से, अब मैं जा रही हूँ आना के एनुअल फंक्शन में। फिलहाल उसका परफॉर्मेंस है, उससे कोई देखने के लिए जा रही हूँ और उसको देख लेके उसका फर्स्ट परफॉर्मेंस होगा ये अपने स्कूल का, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए और जाती हूँ उसका परफॉर्मेंस देखने और फिर उसके बाद उसको लेके भी मैं ही आऊँगी, क्योंकि परफॉर्मेंस के बाद जब भी मैम छुट्टी करेगी मैं वहीं पर ही रुकूँगी और लेके आऊँगी। तो निकलती हूँ, बस 10:30 बज गए हैं, 10:30 का टाइम था, मैं कभी लेट हो गई हूँ तो बस निकलती हूँ। तो मैं पहुँच चुके हैं स्कूल में और यहाँ आना का ही प्रोग्राम चल रहा है शायद, लेट हो गई मैं। लेट हो गई, आना का प्रोग्राम फर्स्ट ही था, मुझे पता नहीं था, तो मैं हो गई थोड़ा सा लेट। आना की फर्स्ट परफॉर्मेंस थी तो थोड़ा सा ही देख पाई, पूरा नहीं देख पाई, लेकिन देख लिया मैंने उसको। कितना स्वीट लगता है छोटे छोटे बच्चे जब कुछ परफॉर्मेंस करते हैं। तो अभी जैसे मैं मेरे को उसे देती है फिर दिखाती हूँ आपको। Sister Saila, the primary wing, Sister Josna, pre-primary, the staff, parents, and dear loving children. So, गई है परफॉर्मेंस खत्म, अब बस अनाया को लेना है क्लास से 10-15 मिनट्स में और फिर निकलते हैं हम घर। तो आना अपना परफॉर्मेंस करके आ चुकी है, अब हम दोनों मम्मा बेटा खाएंगे आइसक्रीम और फिर जाएंगे घर, है ना। तो ऑरेंज वाली ठीक है, चले फिर। ओके, तो बस यहाँ का हमारा हो चुका है ख़त्म प्रोग्राम, अब निकल रहे हैं हम घर के लिए, बस निकलते हैं। तो घर पे आने के बाद पूरा ये घर पूरा अच्छे से ढका, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा कुछ पेंट का काम करा रहे थे, तो भैया लगे हुए हैं और हमने सब कुछ पैक कर दिया और इसके बाद में इसीलिए वीडियो भी कम बना पाई। ये देखो इन बच्चों को कितनी सर्दी लगने लग गई है अभी से ही, बाहर तसले में बैठ के आग जला के हाथ सेक रहे हैं।